हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप लोग आई होप अच्छे होंगे एंड आई डोंट नो ये वीडियो कब जाएगी बट uh, मेरा मन तो था कि जिस टाइम मैं अपलोड करूँ उसी टाइम uh, पोस्ट कर दूँ एक्चुअली में मुझे आप लोगों से बात करनी थी मैंने ये देखा यूट्यूब पता है जो लोग ऐसे कहते हैं कि उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए वो बड़ी बड़ी बातें कि आपके साथ ऐसा हो रहा है हम तो ऐसा नहीं करते हम तो नॉर्मल लोगों का भी साथ देते हैं ऐसा वैसा बट मैंने देखा है कि uh, फिल्मों में तो छोड़ो यूट्यूब पे भी नेपोटिज्म का नेपोटिज्म तो छोड़ो कि अगर मैंने देखा है कि आई थिंक मुझे भी चार पाँच महीने हो गया यूट्यूब पे आए हम लोग भी उतनी मेहनत करते हैं। बट वो व्यूज़ और वो वीडियो इतनी ज़्यादा वो नहीं होती है बट अगर कोई एक टीवी सीरियल का या कोई भी एक्स वाई जेड सेलिब्रिटी उसने यूट्यूब चैनल बना लिया तो उसकी इतनी ज़्यादा वो हो जाती है अगर उसके दस हज़ार भी सब्सक्राइबर हैं तो उसके लाखों लाखों व्यूज़ आते हैं या जिसके हज़ार दो हज़ार भी सब्सक्राइबर उसके उतने व्यूज़ नहीं आते और ये ऐसा नहीं है कि वो यूट्यूब ही कर रहा है ये नॉर्मल लोग भी हैं तुम लोग सिर्फ उन्हीं को इतना पॉपुलर करते हो एटलीस्ट कितना मतलब मुझे खुद ही नहीं समझ में आता मैंने भी बहुतों की ऐसे वीडियो देखी है जिसमें लोग वो जो करते हैं साथ हम भी वही करते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है बट यही है कि उनका अगर वो टीवी में पॉपुलर हैं और वो यूट्यूब पे आ गए तो आप लोग उनको भी वहीं पे उतना ज़्यादा वहाँ पे भी सपोर्ट करते हो यार एटलीस्ट मेहनत तो एक नॉर्मल यूट्यूबर भी करता है ना अगर एक नॉर्मल इंसान यूट्यूबर बना है वो भी इतनी मेहनत कर रहा है आई थिंक हो सकता है कि उन लोगों जितना पैसा नहीं बट वो भी क्या लगाते हैं यार अगर उन्होंने ले एक ऐसे करके प्याज काट ली ओहो, ऐसा लगा बहुत बड़ी बात हो गई हम वही रोज़ कुकिंग करते हैं तो हमारी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है अरे वो भी इंसान है हम भी इंसान है तो फिर सिर्फ उन्हीं को क्यों इतना आप लोग पॉपुलर कर रहे हो मुझे ये समझ में नहीं आता उन्हीं की वीडियो को उन्हीं के इतने सब्सक्राइबर बढ़े उन्हीं का इतना ज़्यादा वो हो रहा है फिर यार मतलब एक नॉर्मल इंसान कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके अपने आप को प्रूफ ही नहीं कर सकता क्योंकि वो लोग हैं तो उनको आप लोग ज़्यादा कर रहे हो उनका मतलब वो वहाँ पे तो है ही है ही हैं वो यूट्यूब पे भी आए एक नॉर्मल इंसान आके पॉपुलर नहीं हो सकता उनको दबाया जा रहा जैसे नॉर्मल इंसान अगर कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर बन गया तो उसके भी अगर पाँच लाख सब्सक्राइबर है तो उसके दस हज़ार बीस हज़ार पच्चीस हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं और वही अगर एक सेलिब्रिटी करता है कोई वो यूट्यूबर आके बन गया तो उसके अगर दस हज़ार सब्सक्राइबर है तो उसके लाखों में व्यूज़ आ रहे हैं मुझे खुद को ही नहीं समझ में आता कि आप लोग ऐसा क्यों करते हो और आप ही लोग इतनी आके लोगों के कॉमेंट बॉक्स में इतनी वाली बातें हाँ आप सही कह रहे हो हाँ, आप सही कह रहे हो ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें भी बोल के चले जाते हो कि है ना हम तो नॉर्मल अरे तो फिर आप लोग भी तो वही नेपोटिज्म कर रहे हो कि जो बॉलीवुड में चल रहा था वहां पे चल रहा था कि जो लोग कह रहे थे कि सुशांत सिंह के लिए ऐसा हुआ वैसा हुआ ये हुआ वो हुआ उनके साथ गलत हुआ तो आप लोग भी तो आके यही कर रहे हैं जितने भी व्यूवर व्यूअर्स हैं वो लोग भी तो यही कर रहे हैं कि एक मामूली इंसान अगर यूट्यूब पे आया है तो आप लोग उसको ना सपोर्ट करके चाहे वो मैं अपनी ही बात नहीं कर रही हूँ बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो इतने अच्छे अच्छे कॉन्टेंट डालते हैं मेकअप वीडियो हम भी डालते हैं वो भी अगर उन्होंने एक लाइनर भी लगा लिया तो वो इतना फेमस हो जाता है क्यों क्योंकि उन्होंने अच्छा बॉबी ब्राउन का यूज़ कर लिया उड्डा ब्यूटी का यूज़ कर लिया चाहे उनका एक लाइनर टेढ़ा हो जाए एक हो जाए ऐसा तो नहीं है कि वो भी सब मेकअप आर्टिस्ट इतने इतने परफेक्ट है किसी चीज़ बट ठीक है आप लोग उनको फेमस कर देते हो क्यों क्योंकि ओह वो तो उस सीरियल में आती थी या वो उस, उसमें आती थी फलाना डिकाना जो भी हो एटलीस्ट मेरी यही रिक्वेस्ट है यार कि एटलीस्ट इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एटलीस्ट हमें भी तो सपोर्ट करो आप उन्हीं को कर रहे हो वो तो वहाँ पे भी इतने फेमस वो वहाँ से भी अर्निंग कर रहे हो वो वहाँ से भी कर रहे हैं और यूट्यूब पे भी आके वो यही देते हैं कि आप हमें सपोर्ट करो हमें सपोर्ट करो तो फिर हम कहाँ जाएं एक नॉर्मल यूट्यूबर कहाँ जाएगा एक नॉर्मल यूट्यूबर कहाँ जाएगा अगर मुझे तो ऐसा लगता है कि फिर ये जगह भी उन्हीं लोगों के लिए हम जैसे लोगों के लिए तो है ही नहीं क्योंकि हम लोग कर ही नहीं सकते क्योंकि हम कितनी भी मेहनत कर ले तो हमें उसका रिजल्ट तो मिलने ही वाला ही नहीं है उसका होगा भी नहीं और कुछ तो आप लोग उन लोगों को इतना मान बना दे तो दूसरा ये चीज़ हो जाती है कि यूट्यूब भी उन्हीं की वीडियो आई थिंक मुझे लगता है वायरल करता और तो किसी की करता नहीं चाहे उनकी वीडियो में कोई मेहनत हो ना हो अगर चार बात भी बोल के जाएंगे तो उनकी सही है और वही नॉर्मल इंसान उनसे बढ़िया बोल के जाएगा तो उसका कोई वही नहीं होता है यार अब करो मैं ये नहीं कहती लेकिन मैं किसी की खिलाफ नहीं बोल रही बट एटलीस्ट जो नॉर्मल इंसान है वो इस प्लेटफॉर्म पे आके इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोग उनका भी तो सपोर्ट करो उन्होंने भी तो मेहनत की एटलीस्ट उनकी तो कोई गलती नहीं यार वो भी पैसा लगा रहे हैं चाहे कम ही लगा रहे हैं मैंने नहीं देखा कि को, कोई सेलिब्रिटी आके बहुत बड़ा यहाँ पे इतना पैसा लगा कि आप लोगों को ये कर रहा है वो कर रहा है ये कर रहा है ठीक है अगर कोई एक uh, सेलिब्रिटी ब्लॉगिंग कर रहा तो बहुत अच्छी बात है उसने अपना किचन दिखा दिया बहुत अच्छी बात है वो बहुत बड़ी बात हो गई एक नॉर्मल मिडिल क्लास है नॉर्मल इंसान है वो आके अपनी मेकअप की चीज़ें दिखा दे या कुछ भी दिखा दे तो उसका कोई वो ही नहीं होता क्यों क्योंकि सिर्फ उन्हीं को हक है वो वहाँ पर भी उन्हीं का चल रहा है यहाँ पर भी उन्हीं का चले, तो इसका मतलब नॉर्मल इंसान आके तो कुछ कर ही नहीं सकता सबसे बड़ी बात है आप ही लोग नहीं सपोर्ट करते जो इतना यहां के ज्ञान दे जाते हैं ना वो लोग खुद भी सपोर्ट नहीं करते वो लोग भी उन्हीं का करते हैं एटलीस्ट हम लोगों को भी तो करो यार मेहनत तो हम भी करते हैं ना अगर आप लोग नहीं करोगे ऐसे ही करोगे तो फिर तो नेपोटिज्म यूट्यूब पे भी चल रहा है चाहे वो यूट्यूब कर रहा हो चाहे आप लोग कर रहे हो आप लोग भी तो वही कर रहे हैं कि नॉर्मल इंसान को आप लोग आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं और जो मतलब है ऑलरेडी पहले से उसको और भी ज़्यादा आप करो तो फिर क्या ही फ़ायदा किसी की मेहनत करने का एटलीस्ट मतलब जीने का हक इस दुनिया में और कुछ करने का हक इस दुनिया में सिर्फ गिनी चुने लोगों को है क्योंकि उन्होंने पहले से ही पा लिया किसी का फेम अरे आगे तो कोई तब बढ़ेगा ना हर किसी को किसी के सपोर्ट की ज़रूरत होती है बिल्कुल वो लोग मेहनत करके मैं ये नहीं कह रही हूँ वो लोग वहाँ पे मेहनत कर रहे लेकिन अगर उन्होंने वहाँ नाम कमाया तो उस मेहनत का ये मतलब थोड़ी होता है कि यार एक नॉर्मल इंसान को आप सपोर्ट मत करो करो उनको मैं भी बहुत से ना सेलिब्रिटी की देखती हूँ ऐसा मैं नहीं कह रही बट बहुत सारे यार मैंने देखा है कि चाहे वो मैं ही क्यों ना हो कोई और भी नॉर्मल यूट्यूबर इतनी मेहनत करते इतनी मेहनत करते और फिर पता क्या होता है रिजल्ट जाकि कोई होता ही नहीं है कुछ भी नहीं होता अगर कोई अब क्या ही बोलूँ यार बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि खुद भी इंसान को समझना चाहिए अब किस कितना किसी के बारे में या किसी चीज़ के बारे में बोल सकते हो आप खुद लोग भी समझदार हो यार एटलीस्ट नॉर्मल लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए आप लोगों को आप ही लोग लोगो आ, हमारे जैसे ही लोग हैं जो हम एक छोटे इंसान को बड़ा बना देते हैं उसकी जो मेहनत होती है उसकी मेहनत तब रंग लाती है ना जब हम सब मिलके उसको सपोर्ट करते हैं एटलीस्ट जो बंदा मेहनत कर रहा है उसको वो कर सपोर्ट करते हैं जब तक आप लोग ये चीज़ें नहीं करोगे तब तक कैसे होगा फिर तो यही हुआ ना कि यूट्यूब पर भी वही चीज़ चल रही है जो अब तक इतनी सारी न्यूज़ में इतना वो हो रहा था कि उसके साथ गलत हुआ सब उनके लिए खड़े हुए सुशांत सिंह राजपूत के लिए हम लोग भी मुझे भी वो लगा कि उनके साथ गलत हुआ जो भी हुआ रीजन आई डोंट नो क्या था क्या नहीं था सुसाइड के मुझे नहीं इस बारे में मालूम बट बहुत सारी चीज़ें होती है होती है ऐसी चीजें वो हम लोग भी जानते हैं हम लोग रोटी खाते हैं हमें पता है कि अगर कोई किसी के जान पहचान वाला है ना तो उसको लोग इतना वो ज़्यादा कर देते हैं चाहे उसके अंदर कोई टैलेंट ही ना हो ये होता है कि बट क्यों क्योंकि उसके जान पहचान का है वो तो वो फेमस है तो चलो उसके भाई भी को भी फेमस कर दो बहन को भी फेमस मैंने ये देखा अगर कोई सेलिब्रिटी है उसका चैनल है तो है अगर उसके रिश्तेदारों ने भी खोल लिया तो भी लोग उसे फेमस कर देते क्यों क्योंकि उससे लिंक जुड़ा हुआ चाहे उसको कुछ भी ना आता हो कुछ भी ना आता हो तो भी लोग फेमस कर देते क्यों उसकी बहन है उसका भाई है उसका ये उसका वो है बट ऐसा तो मत करो यार जो मेहनत करता है एटलीस्ट ऐसे कुकिंग रेसिपी की वीडियो होती है अगर किसी ने एक अंडा उबाल के सेलिब्रिटी ने डाल दिया वो इतने वो आ जाएंगे अंडा तो उबालना सबको ही आता है ना ये करना तो सबको ही आता है और वही और कोई नॉर्मल इंसान यूट्यूबर डालेगा इतनी मेहनत करके रेसिपी उस पर कोई व्यूज़ ही नहीं आता यार पार्सलिटी तो आप लोग करते हो ना ये तो चीज़ गलत है ना कि कोई सामने वाला इतनी मेहनत करो और फिर भी आप लोग ऐसे करते हो दिस इज़ नॉट फेयर यार एटलीस्ट आप लोगों को नॉर्मल इंसानों को भी सपोर्ट करना चाहिए जैसे आप उन लोगों को बनाए तो ये नहीं कह रही हर किसी को कर दो या जिसको कुछ नहीं आता कोई ऐसी वीडियो डाल दो बट जो मेहनत करता है एटलीस्ट उसका तो बनता ही है ना जब तक आप लोग नहीं वो कहते हैं ना कि जब तक आप लोग नहीं वो करोगे सपोर्ट किसी को तब तक वो सामने वाला कैसे करेगा मतलब उसकी मेहनत तो फिर बेकार ही जा रही है ना इसी उम्मीद में तो बनाता है एटलीस्ट मेरा भी तो टैलेंट या कोई और यूट्यूब कोई टैलेंट तो समझे जब आप लोग ना समझ के ऐसे लोगों को भी आप इतना चढ़ा दो ब्लॉगिंग करो तो मैंने देखा है कि ऐसे ऐसे लोग भी फेमस हो जा रहे हैं ब्लॉगिंग कर रहे हैं बस वही वो, वो एक नॉर्मल इंसान भी वही करता है ठीक है जैसे आज मैं ब्लॉगिंग मैं ब्लॉगिंग भी करती हूँ आप लोगों को पता ही मेरे चैनल पर मैंने एक नॉर्मल चीज़ डाली वही दूसरे इंसान ने डाली बट क्यों क्योंकि वो सेलिब्रिटी है क्योंकि वो सेलिब्रिटी है तो उसके ठीक है ब्लॉगिंग चैनल उसका बहुत अच्छा चल जाएगा और हम एक नॉर्मल इंसान है तो हमारा कुछ तो हो ही नहीं सकता क्योंकि आप लोग ही हो जो करते हो आज विश क्या कह सकते हैं बट मेरे मन की बात थी वो मैंने आप लोगों से बोल दी है एंड प्लीज़ गाइड नॉर्मल यूट्यूबर्स को भी आप सपोर्ट करो अगर आप नहीं करोगे तो फिर वो बंदा मेहनत करके क्या फ़ायदा उसके लिए जिंदगी में हर इंसान को आगे बढ़ने का हक है ना तो एटलीस्ट आप लोग उसकी भी मेहनत को समझो मेरी भी मेहनत को समझो मुझे खुद को ही नहीं समझ में आता यूट्यूब पे हो क्या आ रहा है कि एटलीस्ट मुझे चार पाँच महीने हो गए हैं आए हुए यूट्यूब पे और मेरे बाद को, कोई ऐसे सेलिब्रिटी मैंने देखा बहुत से लोगों ने अभी यूट्यूब चैनल बना और उनके ऐसे धड़ल्ले से सब्सक्राइबर व्यूज़ ऐसे आगे क्यों क्योंकि वो सेलिब्रिटी है यूट्यूब भी उनकी वीडियो वायरल करता है एंड आप लोग भी उन्हीं की वीडियो देखते हो कोई तो कुछ कर ही नहीं सकता तो चलिए आजो भी आपकी मर्जी अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू सो मच लव यू ऑल बाय